स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त राहुल धर्मेंद्र। एक फिर मैच रिव्यू के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं दोस्तों। इस बार इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का मैच विश्लेषण करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ क्योंकि मैच का एक एनालिसिस और एक खास पहलू पर चर्चा करने वाला हूं कि इंडियन टीम जो उसका आई थिंक वेस्ट इंडीज के साथ इतना अच्छा मैच हुआ, वो स्टार्टिंग मैच इंडियन टीम का पाकिस्तान के साथ इतना बढ़िया गया, कहाँ इंडियन टीम की वो कमी रहेगी जो इंग्लैंड सदी की टीम, इंग्लैंड का विश्व क्रिकेट, इंग्लैंड जो महिला टीम है उसका विश्व क्रिकेट जगत में एक अपना अलग स्थान है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो भारतीय टीम से बेहतर कोई और टीम नजर नहीं आती, तो ऐसी कौन सी गलतियां हुई जो भारतीय टीम पर भारी पड़ गई, क्योंकि 151 का टारगेट था 152 का और उस पर भारतीय टीम और विकेट डाउन में इंडिया के टोटल 4 या 5 ही हुई है लेकिन उस पर भी चीज नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ और एक खास रणनीति, खास मैं ये कहूंगा एक प्लेयर की रणनीति है और एक ऐसा इफेक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो पता चलेगा, जिससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे। शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से भारतीय टीम को इस मैच में हार देखना पड़ा, हारना पड़ा, ये मैच उनके हाथों से निकल गया। तो दोस्तों अगर इसके लिए आपको पूरा वीडियो भी देखना होगा और मैं मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहना होगा तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों इंडियन टीम ने टॉस जीत के ओवल के सेंट जॉर्ज मैदान पे जो गेंदबाजी का फैसला किया और अच्छा फैसला था, जिस तरीके की रेणुका सिंह ने गेंदबाजी की है आप सभी मतलब, और जो मेरा एक रेणुका सिंह के बारे में प्रेडिक्शन है, एक मेरी अपनी राय है कि जिस तरीके की वो गेंदबाज है उन्हें शुरुआती ओवरों में विकेट मिल जाए दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा उस दिन उनसे बेहतर विश्व महिला विश्व क्रिकेट जगत में कोई खिलाड़ी नहीं है और ऐसा उन्होंने साबित किया, 5 विकेटें निकाली, ये तो ये उनकी खासियत है। लेकिन जिस तरीके की बाद में उस पूरे मैच में इंग्लैंड टीम ने अपनी पकड़ बनाई, जिस तरीके से हेदर नाइट का परफॉर्मेंस था, जिस तरह से नटाली सिंह ब्रंट का परफॉर्मेंस था, ये को थिंक ये पूरा एक जो एक खाका अमर जोन्स जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज है और हम सभी ने जोन्स को बहुत हद तक एज ए ओपनर इंग्लैंड टीम में खेलते हुए देखा, तो वो सारी चीजें किस तरीके से इंग्लैंड टीम का हेदर नाइट की क्या कप्तानी थी जिसने शुरुआती झटके लगने के बाद भी इंग्लैंड टीम संभल गई। हम शुरुआत करते हैं और सोफिया डंकी और डैनियल भट्ट दोनों ने बल्लेबाजी को ओपनिंग की लेकिन यहाँ रेणुका सिंह ने दोनों ही विकेट और शुरुआती दो ओवरों में दोनों विकेट उन्होंने निकाल दी, जिस तरीके की पूरी रणनीति के हिसाब से जो एक खाका तैयार, तो पहली विकेट उनकी पहले रन पर डैनियल भट्ट की गई, उसके बाद से 10 रन पर दूसरी विकेट गई और दैट वॉज शॉकिंग फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था कि शुरुआती 2 से 3 तीसरे ओवर के अंदर ही 2 विकेट निकल गई और भारतीय टीम खेमे में एक हलचल एक खुशी का दौर चल रहा था, रेणुका सिंह फॉर्म में वापस नजर आते रहे। लेकिन रेणुका सिंह इन 5 विकेटों के साथ, अगर मैं कहूँ या कोई भी ये कहे कि रेणुका सिंह 5 विकेटों के साथ फॉर्म में वापस आ चुकी है तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। वो एक दिन आएगा फिर जिस दिन रेणुका सिंह स्टार्टिंग ओवर्स में विकेटें निकालेंगी और दैट डे शी माइट बी अ सेकंड टाइम ऑन टॉप परफॉर्मर, अदरवाइज शी जस्ट अ बॉलर। लेकिन जो एक खास बात इस मैच में रही, दोनों विकेटें रेणुका सिंह ने निकाली लेकिन उसके बाद से नटाली सिंह ब्रंट और आपका हेदर नाइट ने जो एक बल्लेबाजी की, जो शुरुआती 2 विकेटें निकलने के बाद जिस तरीके से पारी को संभाला है, क्योंकि भारतीय टीम की जो रीढ़ का स्तंभ है, जो गेंदबाजी है दीप्ति शर्मा और राधा यादव, राक्षी गायकवाड़ और इन सभी गेंदबाजों को आगे अपने आप को, वो भी इंग्लैंड सरजमीन पे जहाँ मौसम पिच ऑलमोस्ट स्पीड 30 गेंदबाजों को सफर करती है वहाँ उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन भारतीय स्पिन अटैक अपने नाम का झंडा हर जगह बुलंद कर चुका है और इसी की बदौलत भारतीय टीम विश्व क्रिकेट में इतना ऊपर उठा, महिला विश्व क्रिकेट टीम। तो उसके आगे सिव और हेदर नाइट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, हिचकिचाहट नहीं थी, उत्सुकता नहीं थी, आक्रोश नहीं था कि 2 विकेटें निकल चुकी हैं उसका हमें कुछ मतलब जिस तरीके से 2 विकेटें निकल गई हमें उसका कहीं ना कहीं उन्हें पलटवार कर जवाब देना, पहले उन्होंने पारी को संभाला पूरी तरीके से, इन दोनों बल्लेबाज अगले 10 ओवर तक बिना किसी विकेट के अपनी पोजीशन को संभाल कर रखा, जिसका फायदा एमी जोन्स ने उठाया जिन्होंने 40 रन की पारी खेली 27 गेंदों पर। और देखिए नींव जब आपकी अच्छी होगी ना तो इमारत बहुत शानदार बनेगी, तो आपका हेदर नाइट और सिवन दोनों ने नींव मजबूत की, उन्होंने रनगति की चिंता नहीं की, उन्होंने ओवर रेट्स की चिंता नहीं की, उन्हें पता था हमारे बाद ऐसे बल्लेबाज जरूर है जो इस रनगति को बढ़ा सकते हैं, एमा जोन्स इसमें कैपेबिलिटी है, उसके बाद से आपका एस्केलेटर भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करती है, कैथरीन ब्रंट बहुत शानदार बल्लेबाज है, तो उसकी चिंता नहीं थी, बस ये था कि विकेट पर रुकना जरूरी है
और उस पोजीशन को जो एक खराब स्थिति इंग्लैंड की चल रही थी उसको कहीं ना कहीं ठहराव की जरूरत थी, उसके बाद से अहमद जोन्स की पारी। लेकिन इस पूरे सिनारियो में जब 7 विकेट इंडिया ने इंग्लैंड के निकाले, इसमें 5 विकेट रहने का सिंह की थी, लेकिन उसके बाद से शिखा पांडे 4 ओवर में 20 रन, पूजा वत्सावकर 2 ओवर में 24 रन, दीप्ति शर्मा 4 में 27 रन 1 विकेट, राशि गायकवाड़ 1, स्नेहा वर्मा 1, राधा यादव 4। एक तो सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम को मैं पिछले 2 मैचों से एनालिसिस पे ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ और आप लोगों ने इस बात का गौर किया कि कहीं ना कहीं इंडियन टीम भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इवन साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग में रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है, 7 से 8 गेंदबाज यूज करने की कोशिश कर रही है, और ये कहीं ना कहीं आपकी, मेरे हिसाब से ये आपकी कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है कि आपके पास उस क्लास के गेंदबाज नहीं है, इसीलिए आपको अपने मेन स्ट्रीम से हटके साइडलाइन गेंदबाजों के पास जाने की जरूरत पड़ी है, उनसे एक एक दो दो ओवर का कोटा कराया जा रहा है जिससे कि जो 20 ओवर का पूरा कोटा फिनिश कर सको आप, और ये कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक कमी है, आपकी कप्तानी में कमी है, टीम एफर्ट्स में कमी नजर आती है। आप अपने 5 गेंदबाज प्रमुख गेंदबाज लेके चलने के बावजूद भी अगर आपको पार्ट टाइमर 2 से 3 गेंदबाज की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस में, टीम यूनिट में, और सबसे बड़ी बात वो जो गेंदबाज आपके साथ है जो जिन्हें आप स्पेशलिस्ट कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और ये रणनीति कारगर सिद्ध नहीं है। तो भारतीय टीम पिछले 2-3 मैचों से इस रणनीति को अपनाने की कोशिश कर रही है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा, जो ऑल आउट अटैक के साथ इंडियन टीम जाती थी आज सिर्फ 4 से 5 विकेट निकाल पाती है, और अपोजिशन अच्छी बैक कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ देख लीजिए, पाकिस्तान का अच्छा फाइट बैक था इंडियन के खिलाफ, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज का टेलर का एक अच्छा परफॉर्मेंस था, आपका शर्मा कैंपर का एक अच्छा परफॉर्मेंस था, तो ये गेंदबाजी का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैं कहूंगा। 151 रन, इंग्लैंड ने बहुत हद तक अपनी पारी को संभाल लिया था, अब उनको गेंदबाजी की जरूरत थी, जो भारतीय सबसे बड़ी बात भारतीय मजबूत दिखती हुई ओपनिंग पार्टनरशिप शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना में सेंध लगा सके। हम सभी जानते हैं जिस तरीके से शेफाली वर्मा का अंडर-19 वर्ल्ड कप गुजरा है, एज ए कैप्टन वहाँ खेली है, उन्होंने काफी अच्छे वहाँ परफॉर्मेंस दी है, और ऋचा घोष। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसा पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा कि भारतीय टीम पूरे मैच में उसको ऐसी क्या कमी है या उसने ऐसी क्या कमी कर दी जिससे मैच कहीं ना कहीं एंड में जाके फंस गया और वहां से फिर इंडियन टीम जीतना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उससे पहले एक चर्चा डाल लेते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना। मंधाना पहले मैच में अनअवेलेबल थी, दूसरे मैच में खास स्कोर रहा नहीं, लेकिन इस मैच में 52 रन बनाए उन्होंने और तकरीबन 41 गेंदों में। शेफाली वर्मा आई थिंक बैड लक रही कि 8 गेंदों पर आउट होगी। जमीना रॉड्रिक्स आई थिंक वो जो पोजीशन जमीना रॉड्रिक्स जहां पर उन्होंने अपनी विकेट गवाई, पहले मैच का परफॉर्मेंस उनके दिलो दिमाग में था, उसी तरीके से वो बल्लेबाजी करना भी चाह रही थी क्योंकि उस परफॉर्मेंस ने उनको बूस्ट दिया था। उसके बाद से आईपीएल में वो एक महंगे, मैं कह सकता हूँ आईपीएल में बहुत महंगी खिलाड़ी बिकी हैं, उसका कहीं ना कहीं उनको एक ना एक अंदर एक बिल्ड सी खुशी होती कि यार मेरा लास्ट टाइम का मैच अच्छा गया था और आईपीएल के अंदर मेरी ऑक्शन अच्छी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आपके फेस पे दिखता है, वो खुशी आप अपने काम में दिखाने की कोशिश करते हो। शायद यही एक कमी थी जमीना रॉड्रिक्स की बल्लेबाजी में, कुछ ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही थी वो, जो उनकी स्टाइल नहीं है, जो उनकी बल्लेबाजी का तरीका नहीं है, वो शांत गंभीर खिलाड़ी हैं, वो जिस तरीके से सिंगल डबल स्टार्टिंग में पूरी तरीके से अपने आप को वहाँ पर समय देती हैं, उसके बाद से अपने हाथ खोलती है, और यहाँ उन्होंने गलती की, स्टार्टिंग से ही वे उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू किए जो उनका स्तर नहीं है खेलने का, और शायद एक यही गलती रही। 13 रन बनाए उन्होंने लेकिन वहाँ विकेट अपनी गवाई, और स्मृति मंधाना एक एंड से पोजीशन को संभाले हुए खड़ी थी, और वही गलती उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने की। लेकिन इस पूरे मैच में जब भारतीय टीम बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, और सबसे बड़ी बात ऋचा घोष जिस खिलाड़ी ने तीनों मैच में, चाहे पाकिस्तान के साथ था, चाहे वेस्ट इंडीज के साथ था, जी हाँ ये इंग्लैंड के साथ, इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आपने हर एक मैच में देखा हो, जिस तरीके से पहले मैच में पाकिस्तान के साथ आपका जमीना रॉड्रिक्स के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की, एक अच्छी पार्टनरशिप नियरबाय 40 रन की थी, उसके बाद फिर उनका उनका वेस्ट इंडीज के साथ एक अच्छा मैच गुजरा, वहाँ भी इन्होंने अच्छी पारी खेली, और आज इंग्लैंड के खिलाफ 47 रन बनाए इन्होंने 34 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन इतने नीचे बल्लेबाजी करने इनको भेजा गया जब टीम का स्कोर आस्किंग रन रेट नियर बाय 14-15 रन पर ओवर हो चुके थे, वहां से कमबैक करना, वहां से वापसी करना सबसे बड़ा हार्ड काम था, और सबसे बड़ी बात लास्ट के 3 ओवर
जिसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है, जहां से मैच बदल गया। उन लास्ट के 3 ओवरों में क्या मैनेजमेंट, जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए जो आई थिंक 4 से 5 सपोर्टिंग स्टाफ है, कोचिज है, उनको ये नजर नहीं आया कि एक एक अंदर मैसेज पास आउट किया जाए कि अब यहाँ से जितना स्ट्राइक हो सके ऋचा शर्मा को दिया जाए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ठोस है, वो लंबे हिट लगा सकती हैं। जबकि पूजा वत्सावकर या उससे पहले आपका दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 9 गेंदों में 7 रन बनाए और ऑलमोस्ट स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी, जो मेन जो जिस बात की मैं चर्चा मैंने अपने शुरुआती वीडियो में करी थी कि क्या वो कारण रहा जिसकी वजह से भारतीय टीम ने विकेट भी इतनी ज्यादा नहीं गंवाई, लेकिन उसके बावजूद मैच में हार का सामना करना पड़ा। वो लास्ट के 3 ओवर 3 स्पेशली मैं 3 ओवर इसलिए कह रहा हूँ कि 17 ओवर से लेकर 20 ओवर तक का जो पूरा सिनेरियो था, ये तकरीबन 17 ओवर फिनिश हो चुके थे, 18, 19 और 20 ओवर, वहां से जिस तरीके से पारी भारतीय टीम ने खेली है और जिस तरीके से दीप्ति शर्मा ने, जिस तरीके से पूजा वत्सावकर ने स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात टीम मैनेजमेंट वहाँ ड्रेसिंग रूम से बैठा हुआ ये सब देख रहा था, उसको एक मैसेज पास आउट करना चाहिए थे ड्रिंक्स भिजवा कर कि भाई अब यहाँ से स्ट्राइक ऋचा शर्मा को देनी चाहिए, आप जितना हो सके ऋचा शर्मा को स्ट्राइक दीजिए, और वहाँ से वो मैच बदल सकती थी। आपने देखा लास्ट ओवर में तकरीबन उन्होंने 2 छक्के 1 चौके लगाए, लेकिन उसमें आस्किंग रेट नियर अबाउट आई थिंक 30 रन पर ओवर हो चुकी थी, जो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल टास्क था। कोशिश ऋचा शर्मा ने बहुत करी, सॉरी मैं हम ऋचा घोष बार बार ऋचा शर्मा नाम कर रहा हूँ, दैट्स माय मिस्टेक। ऋचा घोष ने कोशिश बहुत करी लेकिन कहीं ना कहीं वो समय काफ़ी नहीं रहा उनके लिए, उतनी गेंदें उनके पास नहीं बची कि वो एक ऑल आउट अटैक के लिए जा सकती थी। तो ये मैनेजमेंट की कमी है, ये टीम मेट्स मैच देखते हुए मैंने उस मैच के बाद कई लोगों से पूछताछ किया, हमारे घर में ऑलमोस्ट मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे पिताजी, हम सभी क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, और हम सबके बीच यही चर्चा थी कि क्या इनको ये नहीं पता कि 20 ओवर का गेम है, क्या इनको ये नहीं पता कि ओवर खत्म हो रहे हैं, या अंदर से कोई मैसेज पास आउट क्यों नहीं आ रहा कि भाई ऋचा घोष पे स्ट्राइक रखो, जितना हो सके उनको स्ट्राइक दो। तो इस तरीके की छोटी सिली गलतियां कौन करता है? आप वर्ल्ड क्लास टीम हो, आपका मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास है, आप T20 विश्व कप की प्रबल दावेदार हो, वहां फिर इस तरीके की गलतियां आई थिंक ये होनी नहीं चाहिए। छोटी गलतियां दिखती हैं, कैलकुलेटेड मिस्टेक्स हैं, लेकिन यही टीम पे बहुत बड़ा फर्क डालती है। और जिस समय क्या ऋचा घोष को दीप्ति शर्मा से पहले नहीं आना चाहिए था, ये कुछ कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं जिन्हें आपको उठाना ही है। जरूरी नहीं, हो सकता था अगर दीप्ति शर्मा से पहले ऋचा घोष आती और वो पहली बॉल पर आउट हो जाती तो आप कहते कि भाई हमने तो भेजा था। ये कहते हैं ना कि वो हिम्मत है तो मध्य, और आई थिंक मैं सही प्रोनाउन नहीं कर पा रहा, लेकिन जो हिम्मत दिखाता है उसी की खुदा भी मदद करता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, विदाउट रिस्क फेम नहीं है, ग्लोरी नहीं है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। साधारण तरीके से तो कोई भी चल सकता है, लाखों लोग सुबह से शाम चल अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन साधारण तरीके से अपना रोज कमाते खाते, लेकिन जिसको अलग हटना है, जिसको कुछ बड़ा करना, उसे रिस्क उठाना ही पड़ेगा, खोने की चिंता किए बगैर उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखा देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।